हेलो हेलो मैथिली, टीना बोल रही हूँ। टीना, हाय। सुधीर है? हाँ, एक मिनट। हाँ, टीना का फोन है आपके लिए। हेलो। हेलो सुधीर। हाँ बोलो। सुधीर, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। कब मिल सकते हो? कब? सुधीर, बहुत जल्द मिलना है। इट्स अर्जेंट। तुम बोलो कहाँ। तुम घर आ जाओ। नहीं सुधीर, घर पर नहीं, क्योंकि प्राइवेट बात है। तुम नीलू के यहाँ आ सकते हो। ठीक है। क्या काम? यहाँ आ रहा है। क्या बात है? पता नहीं, कह रही थी कोई कोई जरूरी काम है, नीलू के यहाँ आ जाओ। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या कहा कुकू ने? क्या कहना था, बस इंसल्ट करती चली गई मुझे। वो तो मंजू को इस तरह से शेयर दे रही थी जैसे कि मंजू कोई दूध पीती हुई बच्ची हो और मैं उसे लूटने आई हूँ। तू भी कमाल है रेवा, गुस्सा तो तुझे मंजू पर होना चाहिए। वो बैठी होंगी हाय बिचारी का नाटक करने, ताकि सारी औरतें उससे सिंपथी दें और उसे प्रोटेक्ट करें। अरे वो मंजू कम चंक नहीं है। शी विल डू एनीथिंग टू गेट मनु बैक। लेकिन विद्या, इस वक्त मुझे गुस्सा मंजू पे नहीं, कुकू पे है। अरे जब मंजू ने उसे एक्सप्लेन कर दिया था कि ये मामला हम दोनों का पर्सनल मामला है, हम दोनों के बीच में है, तो उसे क्या पड़ी थी इतनी बड़ी हीरोइन बनने की। बोलती गई। और तू कह रही है मंजू वाज ओके। अरे अगर मंजू की हामी ना होती तो कुकू की क्या हिम्मत थी तुझे इतना सब कुछ कहने की। वो मंजू बहुत होशियार है। कुकू के कंधे से अपनी बंदूक चला रही है और तू है कि सब कुछ चुपचाप सुन के चली आई। देखना अगली किटी कितनी घमासान होने वाली है, क्योंकि सबके मन पर शादी छाई। हाँ, and they will all attack me, है ना? और स्पेशली वो पिक्सी। अरे वो तो ठान कर बैठी होगी कि रेवा दिखे और उसकी गर्दन पकड़े। और जब से मंजू लौट आई है उसकी बात को तो और वजन मिल गया। लेकिन सब एक बात भूल रहे हैं कि तेरी शादी हो चुकी। और मनोविराज ने आज तक कभी नहीं कहा कि तू उससे अलग हो जाए। So they should all shut up and mind their own business. तू डर मत, देख सब ठीक हो जाएगा। Thanks Vidya. बस ये तेरा moral support है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। You just stick on Reva, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। Bye. Reva Rani. तो मेरे बगैर करेगी क्या? और मंजू ये चेक अपने पापा को लौटा देना। मुझे मालूम है उनको मेरी चिंता है, मेरी फिक्र है, पर अपनी जिम्मेदारी अब मैं खुद लूंगी। ये कह देना उनसे। मामा आप प्लीज इसे रख लीजिए, पापा ने आपके भले के लिए दिए। मेरा भला मैं खुद देख लूंगी। अब तुम्हारे पापा को किसी और का भला देखना है। आई थिंक दैट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। ये चेक तुम रख लो और अपने पापा को दे देना। मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स मामा, लेकिन मैं पापा से क्या कहूंगा? उन्हें कह देना कि मुझे उनका चंदा नहीं चाहिए है, मेरे हाथ पांव सलामत है, मैं खुद अपना ध्यान रख सकती हूँ। और वैसे सब फ्रेंड्स हैं मेरी, सब हेल्प कर रही हैं मुझे। और सबसे बड़ा तो भगवान है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। बेटा आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। मैं समझ सकता हूँ। ठीक है मामा, मैं चलता हूँ। अरे विकी, ऐसे नहीं जा सकते तुम। चलो इतने दिन बाद आए हो, कुछ खा के जाओगे, बैठो यहाँ। अच्छा विकी, एक बहुत जरूरी बात भूल रहे हो तुम, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? वैसे सास बनाने जा रहे हो मुझे, पर मेरी होने वाली बहू से अब तक तो मिला ही नहीं तुमने। ओह आई एम रियली सॉरी मामा, ये सब में तो मैं भूल ही गया था कि आप अभी तक तान्या से मिली नहीं है। तो कब मिला रहा है मेरी होने वाली बहू से? जल्द से जल्द, एज सून एज पॉसिबल। As soon as possible नहीं, मुझे आज ही मिलना है।
ठीक है मम्मा, आजकल मैं तानिया को आपके पास लेकर आऊंगा। मम्मा मेरा जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन कुछ जरूरी काम आ गया है, वो निपटा कर आऊं। ओके बाय बेटा, लव यू मम्मा। जल्दी लेके आना है तानिया को। टेक केयर। नमस्ते मंजू जी। रमाकांत, इतने सारे लोग मिलने आ रहे हैं आपसे, दर्शन करने आ रहे हैं आपके, तुम्हें कैसे नहीं आता? खबरदार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? नहीं हिम्मत की बात नहीं है, तो मिलने की बात है, मिलने आया हूं मैं आपसे सच्ची मुच्ची। जब मेरे को पता चला कि आप जिंदा है तो मैं तो खुशी की मारे पागल हो गया। अच्छा मुझे जरा भी खुशी नहीं है तुम्हें देख के, नफरत है मुझे तुम्हारी सूरत से। जस के निकल जाओ यहां से। आप भी गाली दे रही है मेरे को? ठीक है दे दो, दो गाली दो मेरे को, निकालो अपने घर से बाहर, कोई नहीं चाहता मेरे को। हाँ कोई मिलना तक नहीं चाहता मेरे से, इतना बुरा हो गया हूं मैं, नफरत करते हैं सब मेरे से। कोई नहीं है मेरे इस दुनिया में, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। वो एक सड़क सा भिखारी होता है ना, उसका भी अपना कोई दीन दयालु होता है, लेकिन मेरा कोई नहीं है। बस कर ये नाटक, नाटक कर रहे आगे। मैं मानता हूं कि उस रात के लिए मैं जिम्मेदार हूं, मेरी वजह से आप फंस गई, लेकिन मेरी क्या मजबूरी थी, ये तो कुछ जानना ही नहीं चाहता ना। क्या मजबूरी थी तुम्हारी? सिर्फ पैसे की मजबूरी थी है ना? ना 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 ना, ना पैसा नहीं मंजू, पैसा नहीं, हर बात में पैसा पैसा नहीं। मेरे अंदर भी दिल है, एक बाप का दिल, जिसकी मजबूरी जिसकी कमजोरी उसकी अपनी बच्ची है। क्या मेरा कोई फर्ज नहीं बनता अपनी बच्ची के लिए? और मैं कैसे तुम्हारे फर्ज के आड़े आ रही थी? तुम्हारी मेरे तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं थी क्या? जिम्मेदारी तो दूर, तुमने तो इंसानियत तक नहीं दिखाई मुझे। ना ना ना, मेरे में बहुत इंसानियत है, लेकिन मैं क्या करूं क्या करूं? सिन्हा के आदमी के जरिए मुझे उसका मैसेज मिला कि अगर मैं उसका काम नहीं करूंगा ना तो वो रिया को बर्बाद कर देगा। हाँ जी, वो बड़ी जान पहचान है उसकी इस फिल्मी दुनिया में। वो कह रहा था कि मैं रिया को काम, काम की तो छोड़ो, मुझे तो कहते हुए शर्म आ रही है। वो कह रहा था कि मैं रिया की जिंदगी को खराब कर दूंगा। मैं डर गया, घबरा गया जी मैं तो। अब तुम तो जानती हो रिया के लिए तुम्हें अपनी जान तक दे सकता हूं। आ गया मैं सिन्हा की बातों के अंदर। बस करो ये झूठ, कम से कम अपनी बेटी को लेकर इस तरह घटिया झूठ तो मत बोलो। नहीं मैं सच्ची कह रहा हूं, रिया की कसम मैं बिल्कुल सच्ची मुच्ची कह रहा हूं। मुझे माफी की भीख दे दो, भीख मांग रहा हूं मैं। मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही मत देना, नहीं तो मैं जीते से मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा मैं, सच्ची बर्बाद हो जाऊंगा मैं, बचा लो मेरे को। और वैसे भी ऐसे कौन सा बड़ा काम कर दिया मैंने? हाँ जी अब तुम बच के आ गई हो, मेरे को भी बचा लो, मेरी भी जान बख्श दो, मेरे लिए नहीं तो रिया की खातिर मेरी जान बख्श दो। रिया की जान को सिन्हा से खतरा था, इसलिए मैंने वो सब किया। सच्ची कह रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची कह रहा हूँ मैं। नहीं मानती कि रिया की जान को कोई भी खतरा था। झूठ बोल रहा हूँ फिर से। ना मंजू नहीं जी नहीं, तुम नहीं जानती हो, नहीं जानती हो, ये शूटिंग शूटिंग नहीं आफत थी, आफत। हाँ जी एक बंदूकधारी हमेशा रिया के आसपास मंडराता रहता था बंदूक लेके, और एक असिस्टेंट था जो बार बार रिया के पास आने की कोशिश करता था, मैं बाहर ने मार मार के उसको दूर किया करता था। सच्ची कह रहा हूं मैं, वो सिन्हा के इशारे का इंतजार कर रहे थे, जैसे सिन्हा इशारा करता तो वो रिया को जान से मार देते, और मैं तो अपनी जवान बेटी से हाथों बैठता। देखो मंजू तुम मेरी प्रॉब्लम मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो, और तुम तो मेरे से ज्यादा जानती हो कितना कुत्ता कमीना आदमी है वो सिन्हा, जानती हो ना।
विकी। हाँ भाभी कहिए क्या बात है। देखो मुझे भी पता नहीं क्या हो गया है, ढूंढ सुधीर को रही हूँ, नाम तुम्हारा ले रही हूँ। कोई बात नहीं, सुधीर तो घर से बाहर जा चुके हैं, आप मुझे बताइए कोई अर्जेंट काम है। सुधीर चला गया उससे मिलने। उससे किससे? छोड़ो अब गया सो गया, क्या कर सकते हैं आप। अरे किससे मिलने गए हैं? वो मुझे तो ये कह के गए हैं कि उनकी कोई अपॉइंटमेंट थी। ओ, तुम्हें बता के नहीं गया वो? क्या नहीं बताया भाभी, आप मुझसे कुछ छुपा रही? छुपाना क्या मिकी, छोड़ो रहने दो। भाभी देखिए आप मुझे प्लीज साफ साफ बताइए क्या बात है। देखो मिकी, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ और सबसे बड़ी बात है कि इस घर में सुख और शांति बनाए रखना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें पहले से आगाह कर रही हूँ कि सुधीर टीना से मिलने गया है। ओह इतनी छोटी सी बात और आप इसके लिए इतनी बड़ी भूमिका बांध रही हैं। ठीक ही तो है ना, अगर वो टीना से मिलने गए तो? तुम ऐसा इसलिए कह रही हो मिकी क्योंकि तुम टीना की असलियत नहीं जानती। देखिए भाभी मैं टीना से पर्सनली मिल चुकी हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से हमें डरना पड़े या घबराना पड़े। मिकी हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं। मुझे कोई फायदा नहीं है टीना की बुराई करके, लेकिन अगर मैं तुम्हें उसकी पिछली जिंदगी के बारे में बताऊं तो तुम दंग रह जाओगी। घर में तो वो बड़ी सती सावित्री रहती थी, सास ससुर की सेवा करने वाली, और बाहर एकदम उल्टा था। सिगरेट शराब छोटे छोटे वाहियात कपड़े पहनना और ऊपर से उसकी वो किटी पार्टी और वहां की औरतें जिनकी बेपरवाह और गैर जिम्मेदार जिंदगियां थीं। ऐसे ही नहीं टूटी है मिकी ये शादी, इसके पीछे टीना की बहुत सारी बेहूदी हरकतें हैं। भाभी अब ये शादी टूट चुकी है ना, और वैसे भी मैं जितना भी टीना को जानती हूँ, we don't have to worry about all this। और मैं टीना को तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी तरीके से जानती हूँ, उसके हर रूप देखे हैं मैंने। और ये रूप जरा सोचो मिकी, टीना को एकदम से सुधीर से मिलने की क्या पड़ी है? जरूर उसे सुधीर से कुछ चाहिए होगा या उसका कोई प्लान होगा। कमॉन भाभी कमॉन, आप इतनी बेबुनियाद बातें टीना के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? मिकी मैंने तुमसे पहले ही कहा है ना, टीना की बुराई करके मुझे कोई फायदा नहीं है, बस तुम्हारा भला चाहती हूँ और तुम्हारे बच्चे का, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि इन मामूली मुलाकातों में टीना तुमसे तुम्हारा सुधीर छीन कर ले जाए। आगे तुम्हारी मर्जी, मैं तो चलती हूँ, मैं क्यों भला किसी की बुरी बनूं। तुम इतने घटिया इंसान हो रमाकांत, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे विश्वास नहीं है। अगर तुम्हें रिया की इतनी ही चिंता थी तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? हाँ मनु को क्यों नहीं कहा? कम से कम पुलिस में तो कंप्लेन लिखवा देते कि सिन्हा तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इस तरह से धमकी दे रहा है। मजबूरी थी मेरी, मजबूरी थी। अगर मैं बता देता तो सिन्हा के आदमी मेरे को और रिया दोनों को ही मार देते। कैसे मैंने वो दिन काटे हैं मंजू, वो या तो मैं जानता हूं या मेरा परमात्मा जानता है। सिन्हा के आदमी जेल में आके मेरे को धमकी देते थे, मुझे अपने मुंह पर ताला लगाना पड़ा। फिर तुमने शालू से क्यों नहीं कहा? शालू को बताने का क्या फायदा, विश्वास तो करती नहीं मेरी किसी बात पर वो। मैं तो बिल्कुल एकदम अकेला और बेसहारा था बिल्कुल। और हाँ, अगर अब तुमने मेरा साथ नहीं दिया ना तो मैं तो बिल्कुल ही बेसहारा हो जाऊंगा। मंजू मेरी बात को समझने की कोशिश करो, पुलिस में गवाही मत देना, पुलिस में ये रिपोर्ट मत लिखाना के मैं तुम्हें फोन करता था, ईमेल करता था, वो पैसे तुमने मेरे को दिए थे। तुम तो कितना प्यार करती हो रिया को, है ना, उसी की खातिर मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश तो कर सकती हो कि नहीं? वो पैसे मैंने तुम्हें दिए नहीं थे, तुमने निकलवाए थे मुझसे। कहाँ है वो पैसे? सिन्हा के पास। अब तक झूठ बोल रहे हो तुम? नहीं मैं सच्ची कह रहा हूँ, एकदम सच्ची कह रहा हूँ। एक फूटी कौड़ी नहीं मेरे पास, तो सारे के सारे पैसे वो सिन्हा ले गया।
मैं तो अपनी बच्ची की जान बचाने में लगा हुआ था। मेरी प्यारी वसीलिया, जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत हो गई है। तो मेरी बात को समझ गई ना तुम, मैंने सच्ची सच्ची बात तुमको बता दी। अब तो मेरे को माफ कर दो, तुम ये साबित कर दो कि तुम कितनी दयालु हो। वादा करो मुझे कि तुमने अपने जीजा जी को, अपने प्यारे जीजा जी को माफ कर दिया। वादा करो मुझसे। रमाकांत बस करो ये, मैं तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पर तुम जाके शालू और रिया से माफी मांगो, अगर वो तुम्हें माफ कर देते है ना, तो हो सकता है मैं पुलिस को ये सब कुछ ना बताऊं। टीना, हाय। हाय। बैठो। हाँ, I'm sorry, जरा मुझे देर हो गई। मैं भी कोई जल्दी में नहीं हूँ। क्या बात है, कोई जरूरी काम था? क्या बात है सुधीर, सीधे काम की बात कर रहे हो? इतना भी नहीं पूछा कि कैसी हो, ठीक हो? बस मैं हूँ ही ऐसा, तुम तो जानती हो, फर्स्ट डेट पर भी कुछ नहीं बोल पाया। याद है तुम्हें वो शाम? ऑफ कोर्स याद है, कैसे भूलूंगी मैं। और मुझे ये भी याद है सुधीर कि मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं हुई मुझसे डेट के लिए पूछने की। हाँ, कुछ लोग वक्त लेते हैं बोलने के लिए, और सिर्फ चुप ही रहते हैं। पर मैं बोला था। क्या बोले थे? पूछा था ना कि चाय चाहिए या कॉफी। हाँ, और फिर मैंने क्या कहा था कि हम इतनी दूर सिर्फ चाय और कॉफी पीने आए हैं। तो शुरुआत कहीं से तो करनी थी। हाँ, शादी की बात मैंने छेड़ी थी। शादी क्या हुआ? शादी का सुधीर, हम अलग क्यों हो गए? हम अपने डिफरेंसेस कभी सुलझा क्यों नहीं पाए? Why couldn't we work things out? एक छोटी सी माफी के लिए इतनी बड़ी बड़ी शर्तें, कमाल हो गया। मतलब तुम्हें मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं? बिल्कुल नहीं है, तुमने आज तक ऐसा कुछ किया ही नहीं जो तुम पे विश्वास किया जा सके। शालू और मेरी जिंदगी तुमने नर्क बना के रखती थी। मैं कल पुलिस स्टेशन जाऊंगी। कल तुम जा रही हो पुलिस में गवाही देने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं मर जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रहम रहम रहम। रमाकांत, मुझे कल पुलिस स्टेशन तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कल पुलिस मेरी गवाही का इंतजार कर रही है। पर जब तक मैं शालू और रिया से बात नहीं करती, तुम्हारे बारे में अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगी। अगर उन्होंने तुम्हें माफ नहीं किया तो मैं पुलिस को तुम्हारी सारी कमीनी हरकतों के बारे में बता दूंगी। ठीक है, यही सही लगता है। सारे मेरे दुश्मन हो गए, कोई मेरा अपना नहीं रहा। लगता है मेरा आखिरी टाइम आ गया है। सही कहा है किसी ने, बुरे वक्त में तो अपने भी पराए हो जाते हैं। तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि तुम अपने बनाने लायक हो ही नहीं। ठीक है, यही सही कि मैंने तो अपना काम कर दिया जी। मतलब मैंने सच्ची सच्ची बात आपको बता दी, मैं जा रहा हूं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो फिर ठीक है, नमस्ते जी। मैं सिन्हा और उसके कुत्तों को कभी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने मेरा घर, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आज मैं इस हालत में सिन्हा की वजह से हूं। मैं उस सिन्हा को कभी छोड़ूंगी नहीं, कभी छोड़ूंगी नहीं उस सिन्हा को मैं।